ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक फ्रॉम ट्रिपल आईटी अलाहाबाद। आज हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक फॉर हैबिटाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, अगर हमको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता है तो हम उससे हैबिटाइजेशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा एसओ फोर है, तो हम अगर इसका स्ट्रक्चर जानते हैं तो इसका एसओ फोर का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ओ माइनस ओ माइनस। और हम लोग जानते हैं कि इस हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हमको सिग्मा बाउंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिग्मा बाउंड कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये एक सिग्मा हो गया। और हम लोग जानते हैं डबल बाउंड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो एक सिग्मा यहाँ से हो गया, दो एक सिग्मा, ये तीन हो गया और ये एक चार हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड कितने हो गए हमारे, चार। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, चार। तो चार जो होता है हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल किस में होता है, sp3 में। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम ClO3 माइनस का कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। ClO यहाँ पे O माइनस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली आप CO2 और H3PO4 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग कैलकुलेट करिएगा खुद से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।